तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं और एक हैप्पी न्यू ईयर स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। और दोस्तों मेरी तरफ से एडवांस में आप सभी को और आपके सभी परिवारों को हैप्पी न्यू ईयर का हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों फिर मैंने जिस तरह सिंपल स्टेटस को देखा है हैप्पी न्यू ईयर का, अब भी इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो खुद का फोटो लगा के, तो इस वीडियो को पूरा देखें। एकदम आसान है इस तरह का स्टेटस बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे आगे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंजी जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलआईडी मोशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो अब एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेना और प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना है। जो सॉन्ग बीट मार्क और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं अगर नहीं जानते हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फोन लिंक देखने डाउनलोड वीडियो को कैसे, मतलब ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो आपको लिंक देखने को मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बीट मार्क को कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो को जाके देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। और देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसको ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आपको आने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। देखो यहाँ पर जो लिरिक्स है वो मैं प्ले सेट करके रखा हूँ और इफेक्ट भी देकर रखा हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो फोन जो मैं यूज किया हूँ ये फोन आपको डाउनलोड करना है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपके पास प्ले सी है तो डाउनलोड करना नहीं होगा। देखो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लिरिक्स, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर चेंज करना चाहते हो लिरिक्स तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको टोटल तीन रेक्टेंगल देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो दो में बंद करके रखा हूँ, दो में कुछ इस तरह आपको कलर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह। आपको अगर ये वाला पसंद है तो इसको रखना है, और अगर ये वाला पसंद नहीं है तो इसको बंद कर देना। देखो ये वाला रख देना, उसके बाद आगे आ जाना। तो ये जो बीट है ये बीट में आपको आना है, और ये बीट में आने के बाद दोस्तों जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। और यहाँ पर जो दो रेक्टेंगल है, एक में ब्लिंग इफेक्ट है और एक में लाइट इफेक्ट है, तो ये दो लेयर को भी कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करना है। तो आपको क्या करना होगा, तो जो बीट है ये बीट में आने के बाद आपको फोटो ऐड करना होगा। जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ। फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों इसका जो साइज है फुल स्क्रीन कर लेना, देखो वैसे करके। और फुल स्क्रीन करने के बाद पोजीशन वगैरह सब कुछ ठीक कर लेना, और ठीक करना हो जाने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना, और एकदम लास्ट में आपको आना पड़ेगा। देखो लास्ट बीट में आना होगा, लास्ट में आने के बाद जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना, वैसे करके साइड में दबा कर रखना होगा। और यहाँ पर देखो दो रेक्टेंगल है उसके नीचे रख देना, तो कुछ इस तरह आपको लाइट इफेक्ट और ब्लिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह। तो ऐसे कर लेना, ऐसे करने के बाद फास्ट में जाना प्लस ऑप्शन को टच करना, एक रेक्टेंगल को फिर से ऐड कर लेना, ऊपर जो थ्री डॉट है पर टच करना होगा, फिर कंपोजिशन एयर को टच कर देना, कलर एंड फिल ऑप्शन में आना होगा, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। यहाँ पर जो ब्लैक शेड है इसको नीचे, और ये वाला जो व्हाइट शेड है इसको रोटेट करके ऐसे कर लेना। और ऐसे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स यहाँ पर टच करना होगा, मिडिल में जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। ट्रांसपेरेंट करने के बाद ठीक से इसको एडिट कर लेना, और एडिट वगैरह सब कुछ तैयार हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है पर टच करना, बीच वाला ऑप्शन का आपको टच करना है, और ऐसा करके आपको उसका जो अपासिटी है थोड़ा कम कर देना। तो मैं देखो 75 में रखने वाला हूँ, तो आप अपने हिसाब से रख लेना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आपको आना है ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। और ऐसे करने के बाद दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो मेन फोटो है इसमें आप इफेक्ट देंगे, तो मेन फोटो में इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना, और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। और देखो यहाँ पर जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर को आपको टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आपको आना है, फिर उसको टच करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, फिर से सॉन्ग बीट मार्क में आपको आना है। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद यहाँ पर जो मेन फोटो है, मेन फोटो में ये इफेक्ट को पेस्ट करना है, तो फोटो लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, फिर उसको टच करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो देखो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। देखो फर्स्ट में देखो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा।
तो ऐसा करके ये फ़ोटो में इफेक्ट को ऐड कर लेना। और फोटो में इफेक्ट ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना होगा। तो ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आना होगा और देखो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को आपको ऐड करना होगा। तो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, देखो ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आना है, लाइटिंग ऑप्शन में आना है और स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद एकदम लास्ट में आपको आना है और यहाँ पर जो टाइमर ऑप्शन है पर टच करना है और ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो इसका जो लेयर है देखो एकदम एंड में आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह। तो ऐसे कर लेना और ऐसे करने के बाद दोस्तों फिर से और एक बार बैक हो जाना, यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट इसमें आ जाना और यहाँ पर देखो जो दो रेक्टेंगल है ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना और इधर से देखो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इधर से कॉपी क्लियर कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और फिर से देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसमें आ जाना। इसमें आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बीट है देखो ये बीट में आपको आना है और इधर से दो लेयर को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, ऐसे करके लास्ट में आपको आना है, जो ऑप्शन है पर टच करना है, उसके बाद फिर से ये वाला लेयर को टच करना है, लास्ट में आना है और ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर जो सीसी इफेक्ट है वो ऐड कर लेना और ये वाला इफेक्ट ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों लास्ट में सॉरी फास्ट में आना है, लास्ट ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आना है और ये वाला जो पिंजी बॉर्डर है इसको ऐड कर लेना है। पिंजी बॉर्डर को ऐड करने के बाद लास्ट में आपको फिर से आना है, ये वाला ऑप्शन को टच कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो बीट है 7.11 सेकंड में ये बीट में आपको आना है और यहाँ पर आपको एक हैप्पी न्यू ईयर पिंजी फोटो ऐड करना है। तो उसके देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना होगा और ये वाला पिंजी फोटो को ऐड करना होगा। तो ये वाला पिंजी फोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद उसके इधर से देखो मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, जूम ऑप्शन में आ जाना, ऐसा करके जूम करके छोटा कर लेना। उसके बाद देखो फास्ट वाला ऑप्शन को टच करना है और ऐसा करके देखो जहाँ पर रखना चाहते हो उधर रख देना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, बॉर्डर शेड ऑप्शन में आना है, ये वाला ऑप्शन को टच करना है और इधर से शेडो को ऑन कर देना। शेडो को ऑन करने के बाद उसके जो साइज वो आप अपने हिसाब से रख लेना। देखो ऐसे कर लेना, उसके बाद एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट में, फिर से आ जाना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो ऐसे करके आप लोग स्टेटस को बन लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद सॉरी दोस्तों ऐसा करके देखो ये जो लेयर है ये लेयर को यहाँ पर जो वीडियो है उसके नीचे आपको रखना होगा। देखो ऐसे करके ये वाला जो वीडियो है उसके नीचे रख देना। तो ऐसे करके आप लोग ये वाला स्टेटस को बन लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करना है देखो चार ऑप्शन है पर टच करना है और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।